Please tell me that I can't, that I won't, that I... So guys, in Kabban Park, we got one friend from Europe. Map. So, फिलहाल अब हम इधर हैं. So, अभी गेट वन से एंटर होना पड़ेगा. उसके सामने कर्नाटक का हाई फोर्ट है. फिर उसके सामने ही विधानसौधा है. और यहाँ पे हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सभी लोग? आप अच्छे होंगे. एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंगलोर. आज सैटरडे मॉर्निंग है और आज कुछ वेरी प्लेजेंट मौसम है आज का. एंड लेट्स गो फॉर समथिंग स्पेशल. लेट्स एक्सप्लोर समथिंग स्पेशल. और आज हम जाने वाले हैं बैंगलोर के वन ऑफ द फेमस प्लेस. सो चलते हैं. मेरा कैमरामैन भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ. चलिए जी, मज़े करते हुए जाएंगे और जो कुछ भी है आज के व्लॉग में कवर करेंगे. एंड चलिए. सो गाइस, वी आर गोइंग टुडे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ बैंगलोर. एंड दैट प्लेस नेम इज़ कब्बन पार्क. सो लेट्स एक्सप्लोर कब्बन पार्क. आई विल टेल यू सम डिटेल्स अबाउट कब्बन पार्क. एंड मस्ती मजाक में अच्छे से आज का व्लॉग बनाएंगे. और माहिर भी रेडी है. हाय गाइस, आई एम फुल एक्साइटेड, बी रेडी. अरे यार, अभी आना होता है सबको यार. और जब से हम दो बार रीटेक कर रहे थे ऐसे ही आवाज़ें आ रहे थे. गाइस, यहाँ पे एक बस स्टॉप है मल्या हॉस्पिटल बोल के. सो इधर से उतर के कब्बन पार्क जाना है. तो फिलहाल उतर गए जी, हम जा रहे हैं. और वेरी एक्साइटेड, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने का है. सो आज के व्लॉग में कुछ मज़ेदार व्लॉग बनेंगे. कुछ कुछ चलिए. ओ बस, कंज्यूमर भी आएगा. 50 रुपए काटो इसके ओवर है. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा. और आपको चाहिए तो हम दो जामुन भी एक्स्ट्रा दे देंगे. आइए. सो फिलहाल मैं इधर से देख रहा था, बहुत बड़ा है कब्बन पार्क. सो उधर उधर का इन्फॉर्मेशन तो मैं उधर जाके ही दूंगा आपको. तो चलिए, फिलहाल बहुत धूप है आज यार, इतनी धूप, माशाल्लाह काले हो जाएंगे इधर. एंट्री होने से पहले हम देख रहे हैं नोटिस बोर्ड. सो देख सकते हैं इधर एंट्री क्या हमारे घर ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ ನೋಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದರ್ ಔರ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ 7 ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಏಕ್ ಗೇಟ್ ಜಾನೆ ಕೇಳಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲಗೇಗ ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೊ ಚಲಿ ಚಲತೆ ಔರ್ ದೇಖತೆ ಅಂದರ್ ಕಾ ವ್ಯೂ ನಜಾರಾ ಕೈಸಾ ಹೋಗಾ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಕವರ್ ಕರೆಂಗೆ ಆಯಿ सो गाइस, आप देख सकते हैं इधर के इन्फॉर्मेशन जो भी है ये कब्बन पार्क के बारे में. सो इधर सब कुछ लिखा हुआ है. 1870 में बना गया. और सो गाइस, ये कब्बन पार्क का थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताता हूँ. ये कब्बन पार्क 1870 में बना गया था एंड इसका हिस्ट्री 100 इयर्स की हिस्ट्री है इसकी. सो अब हम फिलहाल अंदर आ चुके हैं. अंदर आने के बाद इधर बहुत सारे ट्रीज हैं. एक्चुअली इसको, ये कब्बन पार्क को क्या बोला जाता है पता है? ये ट्रीज़ का घर है. थोड़ा आप सोच के देखो, ये ट्रीज़ का घर क्यों बोलते हैं इसको? क्यों बोले तो इधर 6000 ट्रीज़ हैं कब्बन पार्क में और इधर 100 स्पेशीज़ हैं. इधर अलग, इधर की वाइब्स अलग है और इधर सब नज़ारे अलग हैं और बहुत कूल होता है. और इधर एंट्रेंस फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. और संडे को इधर साइकिल लेके आ सकते हैं आप. और फिर इधर रेंट के लिए, रेंट में भी मिलेंगे साइकिल्स, वो भी आप ले सकते हैं. और एक बात गाइस, ये कब्बन पार्क जो है पूरा 150 एकर्स में फैला हुआ है. वन फिफ्टी एकर्स में बहुत सारी चीज़ें भी हैं इधर आजू बाजू. एंड 150 एकर्स ना, इसको 5-7 गेटों में डिवाइड किया है
और वो 7 घंटे बहुत दूर दूर है। अभी हम समझो गेट फर्स्ट पे हैं, तो गेट फर्स्ट से गेट सेकंड तक हमारे को जाने के लिए 5 किलोमीटर्स लगेगा एक गेट से दूसरे गेट को जाने के लिए। यू कैन इमेजिन हाउ मच बिग इट इज। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं आप इधर का मैप। सो बहुत बड़ा है यार, क्या क्या बताएंगे समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और माहिर फिलहाल धूप में थकते हुए, और माहिर इधर की धूप कैसी है? मस्त है, देख लीजिए आप यहाँ पे जो जो है। हम बताते जाएंगे तो कबन परक कल तक बताते जाएंगे, इतना बड़ा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बने थे हम वीडियो। देखिएगा इस यहाँ पे इतने ये हैं स्पेशल हैं कबन पार्क के। अभी एक्वेरियम बंद है और एक किड्स के लिए वहाँ पे एक सेक्शन है, प्लेग्राउंड टाइप। हाँ प्लेग्राउंड है और कुछ ट्रेन वगैरह बहुत कुछ है, तो इसलिए हाँ हम अब पूरा वहाँ के बंद है, वहाँ जनवरी में खुलेगा उसलिए। सो गाइस आप देख सकते हैं इधर कल्चरल प्रोग्राम्स चलते हैं ओनली ऑन संडेज, कल्चरल प्रोग्राम्स या फिर कुछ संगीत हो गया, डांस हो गया, सब कुछ इधर चलता है। और उधर आगे में स्टूडियो भी है, बैंड स्टूडियो, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा व्यू है, नज़ारा भी, मतलब इधर आने से माइंड को ना सुकून रेस्ट मिलता है और पीसफुल हो जाता है, इधर की वाइब्स ही अलग है यार। और चलिए देखते हैं और क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप इधर, ये मार्क कब्बन की है। और ये मार्क कब्बन कौन है बोले तो ये एक ब्रिटिशर है, इनका नाम मार्क कब्बन है। सो इनका नाम मार्क कब्बन से कब्बन पार्क बना। सो इन्होंने ही बेसिकली फाउंड किया था पूरे कब्बन पार्क को, और इनके अंडर था कब्बन पार्क पहले, बहुत पहले। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद में इधर के राजा जो थे उनके अंडर था अब, और फिलहाल अब जो है गवर्नमेंट के अंदर है। सो इनकी स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है मार्क कब्बन की। सो गाइस कब्बन पार्क में आपको एक अलग नज़ारा दिखने को मिलेगा, इधर टेनिस कोर्ट है। सो इधर सब लोग खेल रहे हैं इधर। गाइस धूप ने हमारी हालत सब क्या बोलेंगे अब, इतनी खराब हो गई हालत कि हमारे को सेवन अप लेना पड़ा स्प्राइट, और अभी पीते बैठेंगे यार। और लंच भी करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ लंच भी करने का प्लान कर रहे हैं। सो गाइस इन कबन पार्क वी गेट वन फ्रेंड फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम स्विट्जरलैंड। सॉरी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। सो योर नेम ब्रो? Yeah, I'm Andre. Andre. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. How is India? Good so far. So far. Okay, ये specially इधर फिरने के लिए है, visit करने के लिए है प्लेस, एंड हम ऐसे ही आ रहे थे तो दिखे, वीडियो कैमरा लेके आ रहे थे ये भी। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी व्हाई यू केम हियर, यू केम हियर टू विजिट दिस प्लेस ना? यस, टू बेंगलोर, एंड देन मेबी लेटर आई विल ट्रैवल टू दिल्ली। यू विल ट्रैवल टू दिल्ली आल्सो फॉर दिवाली? हां फॉर ये दिवाली के लिए दिल्ली भी जाने वाले हैं। सो ऐसे ही मिल गए, नाइस टू मीट यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय चैनल। ओके थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। सो गाइस बेसिकली ये हमने ये व्लॉग को ना एंड कर दिया था, कब्बन पार्क वाले व्लॉग को, फिर भी ये वीडियो में ऐड कर दूंगा कि वो कहाँ से आए थे, स्विट्जरलैंड से आए थे वो। सो अच्छा लगा यार बात करके, मैंने उनसे परमिशन ली कि आप मेरे वीडियो में आ सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, ऐसे ही मिले फ्रेंड हुए। उन्होंने ही पूछा क्या क्या है बेंगलुरु में, क्या नहीं है। उनका नाम है आंद्रे ही है, आंद्रे कुछ बोला, बोला मैंने समझा आंद्रा। सो ऐसा नहीं बोलना भाई, नहीं नहीं नाम। ओके मिलके अच्छा लगा, बहुत अच्छा पर्सन था। चलिए अभी जाते हैं स्टार्ट। गाइस हाँ हम आपको बहुत कुछ प्लेसेस बताने के लिए आए थे यहाँ पे क्या बोलते हैं कबन पार्क में, स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस क्लोज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। क्यों बोले तो
अभी जनवरी आ रहा है उसलिए शायद कुछ न्यू ईयर का काम चल रहा है। बहुत सारे बंद थे, एक ट्रेन भी था, कुछ कुछ बहुत थे, बहुत है यार, थे बहुत कुछ है इधर। अगर आप फिरने के लिए आएंगे ना एक दिन इधर ही चला जाएगा। सो आई वॉन्टेड टू कवर मोर प्लेसेस ऑफ ईयर, सो वो नेक्स्ट व्लॉग में मेरे को डालना है, बताना है। सो इसीलिए मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर सकता। हम इतना सुबह हम आए थे कितने बजे, कहीं यहाँ तक 11:30 हुआ, लेवल 50 को बराबर एंटर है, 11:50 को एंटर हुए, और जब से अब तक अब बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, दो बजे तक हम ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए जितना भी बताए। आई होप आपको पसंद आया होगा यार, तो इतना सब कुछ किया आपके लिए, इतना फिरे। सो जल्दी से लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करना, एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे। नेक्स्ट भी हम बहुत सारे प्लेसेस फिर रहे हैं, उसका भी कंटेंट आएगा, वीडियो आएगा, व्लॉग आएगा। सो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू नेवर मिस एनी ऑफ माई क्रेजी व्लॉग्स अपडेट्स। सो बाय बाय।